जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मेरा नाम है मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में एंड साथ ही कुछ स्टॉक्स विद देयर एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी कल हमने जब एनालाइज किया था तो हमने देखा था कि दैट इट इज़ एट अ स्ट्रॉन्गर पोजिशन दैन बैंक निफ्टी। एंड हमने ये देखा था कि यहाँ से अगर अपवर्ड एक मूव आता है तो साइडवेज जाएगा मार्केट। वी वर एक्सपेक्टिंग दैट। आज जिस तरह का मूव मिला है मार्केट में, दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मूव एंड एन एक्सेप्शनल मूव आप कह सकते हो, क्योंकि यूजुअली आपको ऐसे मूव्स देखने को नहीं मिलते हैं। आपको निफ्टी में अराउंड 100-150 का मूव मिल सकता है, बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट्स का ये नॉर्मल मूव्स आपको मिल जाते हैं। बट जब ये मार्केट इस तरह से ओवर स्ट्रेच हो जाती है, इस तरह के मूव्स को कैप्चर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले। क्या होता है जब आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, मान लीजिए मैंने अपना पहला स्टॉप लॉस यहाँ रखा है एंड बाइंग पोजिशन इज अराउंड 14,760 के आसपास। जैसे ही मार्केट और ऊपर मूव करती है, मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करता हूँ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैं मार्केट के साथ चलता हूँ। देखिए, चांसेस हैं इसमें कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट आप जब तक इसको ट्रेल करते हुए ऊपर चलेंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद आपको मार्केट एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगी। तो ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस इज द बेस्ट वे कि आप ये पूरे मूव को मैक्सिमम कैप्चर कर पाए। एक बहुत जरूरी चीज है, अगर आप मार्केट के मूव को अगर पोस्ट मार्केट एनालाइज कर रहे हैं एंड आपको लगता है कि यार आज तो बहुत बढ़िया मूव दे दिया है मार्केट ने, आई कुड हैव कॉट द एंटायर मूव, मैं पूरे के पूरे मूव को कैप्चर कर सकता हूँ। तो देखिए, इफ यू आर एबल टू कैप्चर इवन हाफ ऑफ दिस मूव, अगर आप 50% ऑफ द मूव भी कैप्चर कर लेते हैं, तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया कैप्चर किया है आपने मूव को। आप इससे ज़्यादा जितना कैप्चर कर लेते हैं, दैट इज यू नो आई वुड से दैट इट इज अ लक कि आपको इतना मिल जाता है मूव कैप्चर करने को। बट टारगेट आपका बस इतना होना चाहिए, अगर आपने 50% मूव कैप्चर कर लिए, इफ द मार्केट हैज गिवन यू अराउंड 400% आपके कॉल्स ऊपर गई हैं एंड उस 400% में से आपने 200% भी कैप्चर कर लिया, तो आई थिंक इट इज फैंटास्टिक। इतना कैप्चर करना भी बहुत एक्सेप्शनल होता है। तो देखिए, आज जिस तरह से मूव किया है मार्केट ने, टुमारो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? वी कैन एक्सपेक्ट दैट अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा रूम बाकी है। दी क्लोजिंग जो देख रहे हैं आप, देखिए क्लोजिंग हैज बीन डन ऑलमोस्ट एट दी हाई एंड पूरा डे हाई पे क्लोज हुआ है। जिस लेवल पे क्लोज हुआ है, यहाँ पर बायर्स आर स्टिल मेकिंग देयर पोजिशंस टू टेक इट अहेड। आपको यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिल सकता है। ये रिट्रेसमेंट किस तरह से मिल सकता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल जब मार्केट ओपन होगी तो मार्केट कैन ओपन फ्लैट एंड ये जो बायर्स का बुल रन है ये कंटिन्यू हो सकता है। सेकंड, मार्केट थोड़ा और गैप अप खुल के थोड़ा और वहां से आपको रन अप दे सकती है। थर्ड, अगर आपकी मार्केट थोड़ा नीचे खुल जाती है, देयर कैन बी सम बुकिंग, सम प्रॉफिट बुकिंग पोस्ट विच दिस रन कैन कंटिन्यू बिकॉज बायर्स अब काफी हैवी हो चुके हैं यहां पर। अब कल हम अगर देखते हैं मार्केट थोड़ा ऊपर खुलती है एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू गो अप, आप एक चीज यहाँ पर प्लान करके चल सकते हैं दैट ये जो आपको बुल रन मिला है, ये जो कंप्लीट रन अप मिला है आपको, ये काफी ऊपर आ चुका होगा एंड देयर वुड बी बायर्स जो यहाँ पे इस लेवल पे आके प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो कौन से लेवल्स हैं जहां पर आप इसको प्लान कर सकते हैं? दिस इज अराउंड 15,050 के लेवल्स, जहां पर मार्केट पहले भी जाकर एक अपना रेजिस्टेंस खाकर वापस आई हुई है। तो आप देख सकते हैं दैट एट दिस लेवल मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाया है एंड यहाँ से वापस आई है। सो दिस इज द सेम लेवल दैट यू कैन ऑल्सो प्लान इन योर ट्रेड्स कि यहाँ से अगर रिट्रेस होती है मार्केट तो आई कैन अगेन लुक एट दी सेलिंग साइड ऑफ इट। ये हमारा प्लान रहेगा। मार्केट का कल मूव देखकर हम ट्रेड लेंगे। अगर इफ द बायर्स आर कंटिन्यूइंग देयर रन, आई थिंक दैट यू कैन बी ऑन द बाय साइड एंड कैप्चर दिस रन। यहाँ से आई वुड से अनदर 100-150 पॉइंट्स का रन अप बचा हुआ है जो मार्केट ले सकती है। अगर वहां से आगे निकलती है तो देन आई वुड से दैट मार्केट विल टेस्ट दी ऑल टाइम हाईस, जिसका हमें वेट करके ट्रेड लेना चाहिए। एंड राइट नाउ अगर यहां से थोड़ा बहुत नीचे भी आती है, द बुल रन कैन स्टिल कंटिन्यू बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ बाइंग सेंटिमेंट विच इज क्रिएटेड टूडे। तो आज जिन जिन लोगों ने ये मूव मिस किया होगा या यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया होगा, वो कल जरूर इस ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से थोड़ा और रनअप हमें देखने को मिल सकता है। तो कल हम
ट्रेड इस तरह से प्लान करेंगे, एंड अगर मेरे को कल मार्केट में कुछ लाइव दिखता है, पोजीशन कोई दिखती है अच्छी, तो मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर एक अपडेट दूंगा। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी का अगर आप देखें, इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक मूव। मैं आपको थोड़ा सा और ब्रॉड चैनल में दिखाऊंगा ये, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था दैट बैंक निफ्टी एक बिल्कुल सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है, एंड दी एंटायर रन ऑफ बैंक निफ्टी यहाँ पर सारे बायर्स की पोजीशंस खत्म हो गई हैं। हमने एक और ज़रूरी चीज़ देखी थी यहाँ पर कि अगर यहाँ से बाउंस करता है तो देर वुड बी ओनली फ्रेश बाइंग दैट विल टेक प्लेस विच विल टेक द प्राइस अप। तो यहाँ से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी स्ट्रांग बाइंग हुई है, एंड प्राइस बहुत फास्ट ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट से ऊपर मूव करके आपको 33,400 प्लस पे इसने क्लोजिंग दी है। अगर मैं आपको यही एक सिनेरियो थोड़ा सा पीछे जाकर प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो आप देख सकते हैं दैट अ सिमिलर काइंड ऑफ अ सिनेरियो वॉज सीन अर्लियर ऑल्सो, जहां पर आपको ये काफ़ी स्ट्रांग रनअप मिला था, एंड उसके जस्ट बाद नेक्स्ट डे आपको काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग मिली थी, एंड उसके बाद सस्टेन करता हुआ मार्केट ऊपर आया था। देखिए, जब मार्केट में आपको इतना बड़ा एक स्ट्रांग रनअप मिलता है, इसके बाद यूजुअली मार्केट थोड़ा सेटल डाउन करती है, प्राइस थोड़ा सेटल डाउन करता है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ स्कोप की है और कितना ऊपर जा सकता है, यही सिमिलर रनअप आपको कल भी मिल जाए ऐसा हो सकता है, बट प्रोवाइडेड इट इज बैक्ड बाई सम मार्केट सेंटिमेंट। तो जैसा कि हमने अपने बजट में देखा था, तो बजट में दिस वॉज अ सिमिलर काइंड ऑफ अ मूव दैट द मार्केट हैड कैप्चर्ड। फर्स्ट डे इट हैड गिवन यू अ वेरी स्ट्रांग मूव, एंड ये मूव आपका कंटिन्यू करता चला था इन द कमिंग नेक्स्ट 2 डेज। तो ऐसा कोई सिनेरियो अभी बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो ये जो अभी रनअप मिला है, इसको यहाँ से और थोड़ा ऊपर जा सकता है। आई थिंक अनदर 200-250 पॉइंट्स का रनअप बचा है, जहां से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकती है, एंड देन द मार्केट कैन कंटिन्यू टू गो अप। एक स्ट्रेट लाइन में तो मार्केट ऊपर मूव नहीं करेगा, बट नेवर्थलेस मैंने जैसे आपको बताया, जब भी आपको ऐसा कोई मूव मिलता है, प्लीज अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए, आप मैक्सिमम यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे। चलिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, ये जो लेवल है जहाँ से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, इसको अगर हम थोड़ा और क्लोजली एग्जामिन करें तो आपको नजर आएगा दैट ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहा था यहाँ, एंड इसी सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट इसने आज हमें दिया है। तो अगर आप देखें इसको, दैट दिस इज अ क्लियर कट सिमेट्रिक ट्रायंगल जो बनता हुआ आया है, एंड वहां से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो इस लेवल से थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं कंटिन्यूएशन देखूंगा, बिकॉज देर इज स्टिल बाइंग विच इज टेकिंग प्लेस। आप देखिए, ये कैंडल बहुत ही एक स्ट्रांग बायर कैंडल है। यहाँ से थोड़ा बहुत और अप मूव मुझे देखने को मिल सकता है बिफोर दिस स्टार्ट टू रिट्रेस। तो हम अपनी पोजीशंस मार्केट को देखकर बनाएंगे। अगेन लाइक आई सेड, अनदर 200-250 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स के आसपास का मूव यहाँ पर भी अभी मुझे बचा हुआ दिख रहा है। तो वहां जाने के बाद रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट अगर नीचे आता है, देन वी विल टेक द पोजीशन अकॉर्डिंगली। तो चलिए चलते हैं कुछ एक स्टॉक्स की ओर। ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात करेंगे। कल हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने बताया था दैट ब्रेकआउट ये दे चुके हैं, वी शुड वेट फॉर रिट्रेसमेंट, एंड वहां पर हमें दोबारा खरीदना चाहिए। तो आज जो मैं स्टॉक्स आपको दिखा रहा हूं, ये अपना ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस करके दोबारा ये बुल रन कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ इस तरह की पोजीशंस पे हैं। तो अगर आप देखेंगे, हिंडाल्को इज एट अ पोजीशन जहां पर ये रिट्रेस करने के बाद एक बाइंग कैंडल दिखा रहा है आपको, स्ट्रांग बायर्स कैंडल दिखा रहा है यहां पर, एंड यहां से दिस रन कैन फर्दर कंटिन्यू। तो यहां पर हम इस ट्रेड को अराउंड 275 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाकर ले सकते हैं फॉर अ इजी टारगेट ऑफ 400-425 के आसपास। सो यहां से जब ये कंटिन्यू होगा, इट वुड बी अ सस्टेन्ड रन। अगर ये अपने प्रीवियस विंग को क्रॉस करता है, देन दिस बुल रन कैन कंटिन्यू इवन स्ट्रॉन्गर। तो इस स्टॉक को हम बाई करके चल सकते हैं, बिकॉज ये रिट्रेस होने के बाद हमें दोबारा कुछ इस तरह की पोजीशन दिखा रहा है। चलिए चलते हैं अगले स्टॉक की ओर, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगर आप देखें यहाँ पर, अगेन ये एक बुल रन देके आपको रिट्रेस करके अगेन एक बायर कैंडल दिखा रहा है यहाँ पर। दिस इज अ स्ट्रांग बायर कैंडल। यहाँ से अगर ये रन कंटिन्यू करता है, देन अगेन दिस इज गोइंग टू ब्रेकआउट एंड मूव फ्रॉम द हाई स्विंग दैट इट हैज मेड। तो इसमें भी हम एक
स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं अराउंड 100 के लेवल्स का, एंड आपको ये 104 के प्लस लेवल्स दे सकता है। अगर ये 104 106 क्रॉस करता है तो देन दिस रन इज गोइंग टू बी मच स्ट्रॉन्गर एंड ये आपको और अच्छे लेवल्स दे सकता है। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ लर्निंग्स की ओर। तो आज की लर्निंग हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसा हमने कल प्रॉमिस किया था। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था दैट आज कुछ ऐसे लर्निंग पॉइंट्स होंगे जो मैं खुद पर्सनली भी फॉलो करता हूँ ताकि आप उनसे कुछ सीख पाएं एंड उनको फॉलो कर पाएं। तो हम पिछले दो तीन वीडियो से देख रहे हैं दैट कुछ एक लर्निंग पॉइंट्स मैं दिए जा रहा हूँ। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद दी फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था दैट ओवर ट्रेडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ओवर ट्रेडिंग हमने समझी किस तरह से होती है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ओवर ट्रेडिंग, कौन से फेजेस में होती है और उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट ये था हमने जो डिस्कस किया था। देयर आफ्टर हमने स्टॉप लॉसेस के बारे में बात करी, हमने कुछ रूल्स के बारे में बात करी। तो आज जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ दीज आर माई ओन पर्सनल रूल्स। सबसे पहला मेरा रूल है दैट ओवर ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज लिमिट माई सेल्फ बिकॉज आपको ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देखना चाहिए। इट इज़ नॉट अ गैम्बल, इट इज़ नॉट अ सट्टा। तो वेन यू आर डीलिंग विथ समथिंग विच इज अ बिजनेस यू हैव टू बी माइंडफुल एंड थॉटफुल कि आप किस तरह से इसको ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह से आप एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, एंड इसको आपको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। जैसा कि आप बिजनेस में भी इमोशनल नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं यू कैन नॉट लेट योर इमोशंस टेक ओवर एंड गेट इन टू अ स्ट्रेच ऑफ ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग मैं अवॉइड करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। सेकेंड पॉइंट है मेरा कि हमेशा मैं अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करता हूँ। तो आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एम ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस। थर्ड पॉइंट है दैट आई नेवर गिव बिग लॉसेस टू द मार्केट। तो ये मेरे तीन बहुत एसेंशियल रूल्स हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा आपको। सो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया दैट ओवर ट्रेडिंग, सेकेंड इज ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस एंड नेवर गिव बिग लॉसेस। तो पहला पॉइंट अगर आप देखो ये मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई पर्सनली फॉलो कि अगर मेरे दो ट्रेड हो गए हैं फॉर द डे मैं थर्ड ट्रेड में नहीं घुसता हूँ। जितना भी लुक्रेटिव लगे, जितना भी मुझे लगे कि ये बहुत बढ़िया ट्रेड है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं अपने रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ रैदर देन गेटिंग इन टू द ट्रेड। प्रॉफिट आपको आज मिल जाएगा बट यही चीज़ जो आप ओवर ट्रेडिंग में इंडल्ज कर रहे हैं ये कल को बड़े लॉसेस भी दे सकती है आपको। तो एज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पॉइंट मैं ये फॉलो करता हूँ कि मैं दो ट्रेड से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेता हूँ। सेकेंड पॉइंट है टू ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस। जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में अभी डिस्कस किया था, मैं आपको वापस वहीं ले जाता हूँ जैसा मैंने आपको बताया था इसकी 15 मिनट कैंडल पे दैट आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना चाहिए एंड दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कैचिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो अगर आपने पहला स्टॉप लॉस यहाँ रखा है, आपका जैसे जैसे ऊपर बैंक निफ्टी या कोई भी एक शेयर का प्राइस मूव कर रहा है आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहिए। आप जितना ऊपर ऊपर स्टॉप लॉस को ले जाएंगे जब भी ये स्टॉक अपनी पोजीशन से वापस नीचे आएगा आपको ये लिमिट करने का मौका मिल जाएगा कि आपको इससे ज़्यादा लॉसेस नहीं होंगे एंड आप इसके नीचे का जितना ये पोर्शन है ये आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर चुके होंगे ऑलरेडी। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। कभी भी ये मत सोचिए कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो इतना मेरे को लॉस हो गया। डोंट लुक एट दिस साइड, आप इस साइड को देखिए कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो ये भी आपका जा चुका होता एंड आपको प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होता। बट एंड ऑफ द डे स्टॉप लॉस ट्रेल करने की वजह से आप एक प्रॉफिटेबल पोजिशन से एग्जिट कर पाए हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लेकर चलना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हमने बात करी कि दैट यू शुड नेवर गिव बिग लॉसेस। तो बिग लॉसेस के बारे में मैं आपको एक बहुत ही स्ट्रांग थियरी बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। आपके मार्केट में जब भी आप आते हैं आपका एक क्वाड्रेंट होता है जो आप लेकर जाते हैं अपने घर। तो वेन एवर यू आर ट्रेडिंग देर आर ओनली दीज वन ऑफ दीज फोर क्वाड्रेंट्स जिसमें आप डील करेंगे। एक होता है आपका बिग प्रॉफिट्स, तो ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। एक होता है आपको छोटा प्रॉफिट हुआ है, सो दिस इज योर स्मॉल प्रॉफिट। एक होता है आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है एंड एक होता है आपको काफी छोटा लॉस हुआ है। सो व्हेन वी आर ट्रेडिंग वी शुड मेक श्योर दैट ये जो क्वाड्रेंट है बड़े लॉस वाला इसको हम हटा दें अपनी बुक से।
हमें कभी भी ऐसा बड़ा लॉस देना ही नहीं है मार्केट को। वी शुड नॉट कीप वेटिंग कि लॉस बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, और हम वेट कर रहे हैं कि यार ये लॉस कन्वर्ट होके मेरा दोबारा प्रॉफिट आ जाएगा। बिकॉज जब भी हम ऐसी एक सिचुएशन में घुसते हैं, जब हमारे लॉसेस बढ़ने लग जाते हैं, आपका लॉस बढ़े जा रहा है, एंड इट इज जस्ट गोइंग डीपर एंड डीपर, मतलब मार्केट आपके ऊपर जा रही थी एंड अचानक गिरे जा रही, आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है। इस पोजीशन में आने के बाद एक ट्रेडर क्या सोचता है कि यार अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी मिल जाए तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, आई विल नॉट वेट एनी मोर। तो ऐसी आपको सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मार्जिन आप दे सकते हैं किस तरह से, बाय शिफ्टिंग योर स्टॉप लॉस अप एंड अप, मतलब ट्रेल करते हुए आप ये मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। छोटे प्रॉफिट्स आपको मैंने बताया है कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज किस तरह से रखने हैं, एंड आप इसको आराम से अचीव कर सकते हैं। दिस कैन बी योर रेगुलर इनकम, आपके छोटे प्रॉफिट्स आपको हमेशा मिल सकते हैं। स्मॉल लॉसेस, जिस दिन ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है, आपने जो स्टॉप लॉस रखा है वो हिट होगा। तो डोंट गेट डिमोरलाइज बाई दिस। ये जो छोटे लॉसेस हैं ये आपको देने चाहिए। एक जब तक आप लॉस देते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, यू विल प्रैक्टिस योर डिसिप्लिन वेरी वेल। आपको जो ये आदत डलेगी कि मैं प्रॉफिट भी लूं, मैं छोटे लॉसेस भी दूं, एंड जिस दिन मौका मिले मैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स उठा पाऊं। एंड दिस कैन हैपन ओनली बाय एलिमिनेटिंग दिस क्वाड्रेंट ऑफ बिग लॉसेस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टू वॉन्ट मोर सच वीडियोज, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस तरह की और लर्निंग्स चाहिए। एंड ऑल्सो, क्योंकि मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आ रही है फॉर एनालिसिस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वी विल डू सम एनालिसिस ऑफ सम मेन क्रिप्टो करेंसीज इन द मार्केट। हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, नॉट फंडामेंटल एनालिसिस। मैं आपको चार्ट्स देखकर बताऊंगा किस तरह से मूव कर रहा है, एंड आगे हम कौन से प्राइस लेवल्स अचीव करते हुए देख सकते हैं इन क्रिप्टो करेंसीज को, क्या इनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस होंगे, एंड किस तरफ ये आज मूव कर रहे हैं, तो इसको समझेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद।